हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इलास्ट्रेशन 9 करेंगे, अपना चैप्टर नंबर कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर का। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से हमने फर्स्ट टू 8 इलास्ट्रेशन कर दिए। इलास्ट्रेशन 8 था, वहाँ पर क्या था, कॉल्स इन अरियर। अरियर का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है। तो पैसा देना बाकी होता है किसी शेयर होल्डर का, तो हम उसको नाम क्या देते हैं, कॉल्स इन अरियर। पर यहाँ पर उल्टा है, जैसे इलास्ट्रेशन 8 कराते वक्त ही मैंने बताया था, यहाँ पर क्या है, कॉल्स इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, तुमने पहले से ही पैसा ले लिया। क्लियर है, किसका पैसा ले लिया सर, ये कॉल्स जो आपको पता रहेगा, दो कॉल होते हैं, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल है, उसका पैसा आपने अलॉटमेंट के साथ ही, हमने नहीं ले लिया, किसी शेयर होल्डर बहुत ही खुश हो गया हमसे, तो उसने क्या कर दिया, हमको एडवांस में ही पैसा दे दिया। क्लियर है, तो तुम ही बताओ ना, किसी ने आपको एडवांस में ही पैसा दे दिया, काम किया नहीं हमने, पैसा मांगा नहीं, एडवांस में ही पैसा दे दिया, तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्यों सर लाइबिलिटी, अरे काम करोगे नहीं, पहले से ही पैसा लेके बैठ जाओगे तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस, कंपनी मे बी रिसीव कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है, मतलब कोई भी कंपनी क्या होता है, कभी कभी कोई शेयर होल्डर अच्छे भी रहते जो एडवांस में ही क्या करेंगे, पैसा दे के जाते। द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी बिफोर द पर्टिकुलर कॉल मैक इस नॉनेस क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। मतलब क्या किया जाएगा, हमने कोई की कॉल किया नहीं, उसके पहले ही, बिफोर मतलब पहले ही क्या कर दिया, कॉल करने के पहले ही पैसा लाके क्या कर दिया, दे दिया, उसको क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। इट इज़ द क्या बोला, लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। बराबर सिंपल सा लॉजिक है, काम किया नहीं, पहले से ही हमने मांगा नहीं, उसके पहले ही पैसा आ गया, तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। एंड शुड बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हमें उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इट इज़ क्या लिखा है, एडजस्ट विद क्या लिखा है, रिस्पेक्टिव कॉल मेड इन अ फ्यूचर। मतलब अभी जो पैसा उसको एडवांस में है, उसको नाम क्या देना है, कॉल्स इन एडवांस। फिर उसी को ही पैसे को कहाँ एडजस्ट करना है, जो भी हम कॉल करेंगे उसमें क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। टिल इट इज शो एज अ लाइबिलिटी इन द बिजनेस। मतलब जब तक उस पैसे को हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो अपने लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है, बैलेंस शीट के लिए बहुत ही सिंपल है। एडवांस का मतलब पहले से ले लिया, अपने को इतना जितना पैसा एडवांस में, उसको नाम क्या देना है, कॉल्स इन अरियर देना, और जितना पैसा नहीं आया उसको नाम क्या देना है, कॉल्स इन अरियर्स नाम देना है। क्लियर है, यहाँ पर है अर्चना लिमिटेड, तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर अर्चना लिमिटेड आ जाएगा। इशू कितना इशू कर रही है, 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ 12 payable, मतलब ₹10 का शेयर 12 में बेच रही है, तो ₹2 किस पे बेच रही है, प्रीमियम पे क्या कर रही है, हम बेच रही है। क्लियर है, वही चीज़ यहाँ पर हमें दिया, देखो यही 10 का शेयर 12 में बेच रहे, मतलब ज़्यादा भाव पे बेच रहे, तो प्रीमियम आएगा ₹3 किसका है, एप्लीकेशन का है, ₹5 अलॉटमेंट विथ प्रीमियम। तो मतलब सर अलॉटमेंट का ₹3 प्लस ₹2 किसका आपने बताया अभी, प्रीमियम का, तो टोटल कितने पैसे हो गए, ₹5 अपने पास हो गए। पता चला ₹3 अलॉटमेंट का प्लस ₹2 किसका रहेगा, प्रीमियम का, ₹4 किसका हो गए, कॉल का हो गए। क्लियर है, फर्स्ट एंड यहाँ पर आ जाएगा फाइनल कॉल आपको आ जाएगा। क्लियर है, मतलब 3, 2, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। एप्लीकेशन वॉज रिसीव, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एप्लीकेशन रिसीव कितने का हो रहा है, 8,000 शेयर ओनली। तो अभी देखो 8,000 का ही एप्लीकेशन आया, तो हम एंट्री 10,000 के हिसाब से पास करेंगे, 8,000 के, ऑफकोर्स एंट्री किसके हिसाब से पास करेंगे, 8,000 के, 10,000 को क्या करेंगे, अमाउंट को क्या करेंगे, कैंसल। मतलब ये कौन सा हुआ सर, ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला आया, इशू 10,000 का, खरीद कितना, एप्लीकेशन कितना रिसीव हो रहा है, 8,000, तो एंट्री किसके हिसाब से हम पास करेंगे, 8,000 के हिसाब से क्या करेंगे, पास करेंगे। क्लियर है, तो सर 10,000 कहीं नहीं आएगा, 10,000 कहीं भी नहीं आएगा। क्लियर है, अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, केतन होल्ड उसके पास कितने ऑफ 400 शेयर मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ क्या हो रहा है, अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के टाइम जो केतन करके है, उसने क्या कर दिया, पूरा पैसा क्या कर दिया, दे दिया। कितना पैसा उसका, 400 शेयर था अलॉटमेंट के टाइम, उसने किसका पैसा दे दिया, फुल द पेमेंट एट अ टाइम, मतलब उसने फुल पेमेंट, मतलब एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमने एडवांस में दे दिया। मतलब 400 का 4 करो तो उसने ₹1,600 क्या कर दिया, हमें एडवांस में ही दे दिया। तो अपने लिए क्या हो जाएगा, कॉल्स इन क्या हो जाएगा, ये एडवांस मेरे लिए क्या हो जाएगा। क्लियर है, मतलब जो ये जो एप्लीकेशन है सर, ये 5 के हिसाब से 8,000 का पैसा तो आ ही रहा है,
प्लस साथ में ये 400 के हिसाब से चार का पैसा भी अपने को 1600 रुपये एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। एक्स्ट्रा पैसे को नाम क्या दे देंगे, कॉल सीन। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सम करेंगे तो और क्लियरली पता चल। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है, अर्चना लिमिटेड। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर क्या लिखना है आपको, अर्चना लिमिटेड में क्या करूँ, लिख दूँ डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहला एंट्री क्या रहेगा, अमाउंट क्या करेंगे, रिसीव। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका पैसा रहेगा, ये सर इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है तो कहीं पे भी जिक्र ही नहीं किया है, तो हम क्या लेंगे, इक्विटी शेयर ही क्या करेंगे, ले लेंगे। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर क्या आ जाएगा, ये एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, ये पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। उसके एंट्री यहाँ पर तीन लाइन छोड़ने के बाद आपको बता दूँ मैं, ये तो जस्ट बता रहा हूँ, ये पैसा रिसीव करेगी, इसी पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का नाम आ जाएगा। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितने के हिसाब से पास करनी है, 8000 के हिसाब से कहाँ पास करें, तो बींग क्या रहेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन, कितने शेयर है, 8000 शेयर ₹1, कितना पैसा रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन का, ₹3 पर शेयर क्या हो रहा है, ये रिसीव हो रहा है। क्लियर है, तो रिसीव हो रहा है तो क्या रहेगा, पैसा अपने लिए आ रहा है। क्लियर है, 8 8 1 8 8 2 16, 8 3 कितना होगा, 24, और कितने जीरो सर है, 3 0, तो यहाँ पर 3 0 लगा दो, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 24,000, यहाँ पर भी सर कितना आ जाएगा, 24,000, यहाँ पर भी सर कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग, अब इसका नरेशन लिखना है, पैसा क्या कर रहे, ट्रांसफ़र कर रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा बींग, तो यहाँ पर लिखेंगे बींग शेयर एप्लीकेशन, बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन, कितने शेयर है यहाँ पर, 8000 शेयर ₹3 पर शेयर कहाँ ट्रांसफर कर रहे, ट्रांसफर टू किस में कर रहे, शेयर कैपिटल में क्या कर रहे, कर रहे हैं शेयर कैपिटल में क्या कर रहे हम, ट्रांसफर कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, उसके बाद किसका एंट्री आता है माय डियर स्टूडेंट, ये थर्ड वाला एंट्री, एप्लीकेशन हो गया। अभी अलॉटमेंट का पैसा तो हम रिसीव करें, कितना पैसा रिसीव करें, ₹5 में से अलॉटमेंट का कितना पैसा है, ₹3 अलॉटमेंट का है, प्रीमियम का कितना है, ₹2 हमें क्या कर रहा है, रिसीव हो रहा है। क्लियर है, तो अपने लिए एंट्री क्या रहेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, इक्विटी शेयर क्या रहेगा, अलॉटमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। मैंने बताया था डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड आता है, प्रीमियम ऑलवेज क्या आता है, क्रेडिट साइड आता है। बींग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू यहां पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसको नाम क्या देते हम, सिक्योरिटी प्रीमियम देते। क्लियर है, तो यहां पर नाम आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले कितने शेयर हो रहे बेटा, तुम बोलोगे सर वो पैसा रिसीव हो रहा था रहे हो, तो अभी तो ड्यू का एंट्री है, उसके बाद ही एंट्री किसका आता है, रिसीव का एंट्री। आप सभी को पता ही होगा ये जो एंट्री है, सबसे पहले इसमें एंट्री किसका पास किया जाता है, रिसीव,
रिसीव के बाद सेकंड किसका किया जाएगा, ट्रांसफर। अब ये सब में पहला एंट्री किसका आता है, ड्यू, ड्यू के बाद एंट्री किसका आता है, रिसीव का एंट्री आता है, क्लियर है, ये सब तो आपको पता ही। सभी ड्यू है तो ड्यू होगा तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सबसे पहले समझते हैं कितना पैसा यहाँ पर लेना था। 8000 शेयर है, 8000 ये मेरे पास क्या है, शेयर है, और कितना पैसा अलॉटमेंट का कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 5। पर अपने पास से 8000 शेयर है, सेम एज अ पैसा कितना जाएगा, शेयर कैपिटल का 3 रुपया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा जाएगा, 2 रुपया मेरे पास से क्या होगा जाएगा। तो 8 फायदा कितना होता है 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा यहाँ पर 8 3 कितना होगा 24 हो जाएगा, और 8 2 कितना हो जाएगा 16,000 क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये बेसिक जर्नल एंट्री था, जो हम सिक्योरिटी को किस पे बेच रहे, प्रीमियम पे क्या कर रहे, बेच रहे हैं, प्रीमियम पे बेच रहे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे में क्या कर रहे, बेच रहे हैं। तो ज़्यादा पैसे में बेचेंगे तो कंपनी के लिए तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे, ने बता रहा डिस्काउंट पे बेचे तो लॉस हो जाएगा, ये तो किस में बेचे, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। अब इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, तो बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 8000 शेयर एट द रेट रुपीज 5 लिख दो ना, 5 पर शेयर क्या है, ड्यू, बस डायरेक्ट ही लिख दो, ये हो गया। अभी ड्यू के बाद एंट्री किसका आता है, रिसीव, और रिसीव में याद करना, देखो यहाँ पर दिया था एंट्री किसका था, कॉल सीन एरिया, देखो ये जो है अपने पास कितना लिमिट, कितना है, 400 शेयर है, ही मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम ही उसने क्या कर दिया, पूरा पैसा, मतलब अलॉटमेंट के टाइम जो ये फर्स्ट कॉल का पैसा था वो भी उसने क्या कर दिया, दे दिया है, तो क्लियर है। तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर फोर्थ वन एंट्री लिखता हूँ, तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा मेरे लिए, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सर कितना पैसा आएगा यहाँ पर, सर 40,000 था तो मेरे पास 40,000 आएगा, जी नहीं, उससे भी क्या आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, कैसे सर बता, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल्स इन क्या रहेगा, एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। क्यों सर, देखो सबसे पहले मेरे पास ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है यहाँ पर कितना था 40, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा, क्लियर है। चलो ये बात समझ में आया, अभी जो बोल रहे केतना के पास कितने शेयर थे, 400 शेयर थे, वो क्या कर रहा है अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, कितना पैसा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, 4 रुपया है, उसको क्या कर रहा है, एडवांस में ही हमें क्या कर रहा है, दे रहा है। तो 4 रुपया करो तो 4 4 कितना होगा 16, तो कितना आ रहेगा 1600 रुपये क्या कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, ये एडवांस में ही क्या कर रहा है, दे रहा है, क्लियर है। 1600 रुपये हमें क्या कर रहा है, ये एडवांस में ही क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इसका ही देखो 40, 40 और 1000 कितना होगा 41,600 रुपीज़ अपने पास क्या हो रहा है, एडवांस में ही क्या हो रहा है, आ रहा है, क्लियर है। तो समझ में आ गया आपको, मतलब सर बैंक अकाउंट से 40,000 तो आ रहा था, प्लस ये जो इसके शेयर है इसका भी पैसा हमें क्या कर रहा था, एडवांस में मिला रहे, एडवांस में मिलेगा तो अपने लिए तो क्या हो गया, प्रॉफिट ही हो गया, तो अच्छी बात है। पर अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्या रहता है, क्रेडिट साइड। देखो ये अपने लिए क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया है, क्लियर। आपको लिखना नहीं है, जस्ट खाली बताने के लिए। अब इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, तो चलो नरेशन भी क्या करते लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, बींग क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन, कितने शेयर है यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 8000 शेयर एट द रेट रुपीस 5 पर शेयर एंड
कितने शेयर थे, 400 शेयर एट द रेट रुपीज़ 4 पर शेयर। ये क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, क्लियर है सर? आपको समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा, देखो अपने पास से शेयर अलॉटमेंट का 8,000 शेयर का 5 रुपये के हिसाब से अपने पास 40,000 और 400 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से अपने पास 1,600 रुपये, मतलब टोटल 40,000 प्लस 1,600 कितना होता है अपने पास 41,600 पैसा क्या हो रहा है मेरे पास रिसीव हो रहा है, क्लियर। मीन शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 शेयर एट द रेट 5 पर शेयर एंड 400 शेयर एट द रेट 400 शेयर एट द रेट 4 पर शेयर क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है, क्लियर। अभी सर इसके अंदर ड्यू की एंट्री तो सेम ही रहेगी पर रिसीव में इतना पैसा क्या करेंगे 1,600 रुपये क्या करेंगे माइनस करके हम लिखेंगे, चलो वो भी एंट्री हम करते हैं। तो लास्ट वाले का ड्यू का एंट्री क्या रहेगा, मैंने बताया था ड्यू आएगा तो डेबिट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू अपने पास से क्या रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा। तो चलो एंट्री पास कर लेते हैं यहाँ पर, तो फिफ्थ वाला एंट्री क्या रहेगा अपने लिए इक्विटी शेयर क्या रहेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू मेरे पास से क्या रहेगा इक्विटी शेयर क्या रहेगा मेरे लिए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। अब इसका ही क्या पास करना है, नरेशन पास करना है, तो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन कितने शेयर है यहाँ पर 8,000 शेयर एट द रेट रुपीज़ कितना है 4 एट द रेट रुपीज़ 4 ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है एट द रेट रुपीज़ फोर पर शेयर क्या है ये ड्यू, क्लियर है। तो चलो इसका ड्यू का एंट्री साथ में ही पास कर देते। सर ड्यू में पूरा आपने ये लिखा पैसा माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि एडवांस में, अरे ये ड्यू का एंट्री तो सेम ही होता है, रिसीव करेंगे उसमें क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, क्लियर है। तो 8 8 4 का कितना होता है 32, क्लियर है। तो यहाँ पर 32 और कितना जीरो आ गया 3, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 32,000 आएगा। मतलब जो पैसा हमने यहाँ पर जो लिखा था कॉल सीन एडवांस वो पैसा कभी रिसीव एडजस्ट कभी होगा जब रिसीव के टाइम एडजस्ट, क्योंकि पैसा रिसीव हुआ तो रिसीव में। अभी एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर सिक्स वाला, रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। अभी देखो ये कहाँ था कॉल सीन अरियर, कहाँ था क्रेडिट, उसको एडजस्ट करना मतलब क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा डेबिट में, मतलब ये जो कॉल सीन एडवांस क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सर नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या कर रहे हो, इतना याद रखो देखो ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था डेबिट, उसको ही हम क्या करते थे रिसीव में क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट किसको कर रहा हूँ इक्विटी शेयर क्या कर रहा हूँ फर्स्ट एंड क्या कर रहा हूँ मैं फाइनल कॉल अकाउंट लिख रहा हूँ। ये तो पता चला सर यहाँ पर 32,000, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 32,000 आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो पैसा रिसीव एक्चुअली मैं पैसा कितने का रिसीव होगा, तो यहाँ पर देखो अपने पास टोटल कितने शेयर थे 8,000 में से 400 शेयर का तो हमें क्या कर दिया पहले से ही पैसा यहाँ पर क्या हो रहा है 400 शेयर वाले ने दे दिया, तो पैसा कितने का आएगा 7,600 शेयर वाले ही क्या करेंगे हमें पैसा देंगे। तो यहाँ पर पैसा कितने का आएगा 7,600 शेयर मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 4 और बचा हुआ ये जो रहेगा 400 शेयर एट द रेट रुपीज़ 4 ये तो हम क्या कर रहे हैं उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये तो अपने कितने का आया 1,600 आया और इसका आंसर आपको आएगा 30,400। कैसे सर, अरे ये 3,200 में से 1,000 से माइनस करो तो यही पैसा आपको क्या आ जाएगा, तो 0,0046,24,4 आ गया ऊपर 2 ऊपर 7,628 और 2 हो गया 30, क्लियर है। वेरी गुड अपना आंसर आ गया, क्लियर है। अभी इसका ही क्या लिखना है नरेशन लिखना है। तो एक बार पहले मैं आपके लिए बुक में भी देख लेता हूँ, बुक में इसने नरेशन क्या लिखा है पिंक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 7,600 शेयर एट द रेट 4
पर शेयर रिसीव एंड रुपीज 400 शेयर एडजस्ट, बराबर ही लिखा है बींग शेयर इक्विटी शेयर, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। इसको डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा। तो बींग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन कितने शेयर है यहाँ पर, 7600 शेयर एट द रेट रुपीज 4 पर शेयर, क्या हो रहा है ये रिसीव हो रहा है, क्लियर है। 4 पर शेयर क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, एंड 400 शेयर आर टू बी, क्या कर रहे हैं हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, आर टू बी क्या कर रहे हैं हम, एडजस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सम था, मतलब जो हमें पहले से जो पैसा रिसीव हो रहा था, मतलब अल्टीमेटली सर ये अगर देखा जाए तो ये इक्विटी शेयर कहाँ था, क्रेडिट, यह क्या हो गया डेबिट, क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, बस वही एडजस्ट का मतलब क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो क्रेडिट जैसे कॉल सीन अरियर था वो क्या होता है, लेस हो रहा है क्योंकि उसका पैसा आ ही नहीं, ये तो पैसा आ गया ना, जब भी पैसा आएगा, अभी एडवांस में लिया तो हमने लाइबिलिटी हो गई, जब पैसा हम सबका मिलेगा तो इस पैसे को लाइबिलिटी को भी क्या करेगा, माइनस कर देगी, क्लियर है। मतलब अल्टीमेटली हमने पैसा क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया है, क्लियर है। एक से दो बार करोगे तो डेफिनेटली ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। इलास्ट्रेशन 9th, मतलब अपना जो बेसिक जो इस पार्ट का फर्स्ट टू लेके इलास्ट्रेशन 9th तक बेसिक, ये आपने अच्छे से किया रहेगा तो आने वाले जितने भी टर्म है, सम है 10 to 16 वाले, आप इजीली कर सकोगे, क्लियर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अभी जो बच्चे 9th वाला देखा रहेगा, फर्स्ट टू आपको 8 वाले सम या तो 9th सम भी पूरा अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आपको 10 से लेके 16 तक आने वाले जो अपने 6 to 7 इलास्ट्रेशन है जो काफ़ी एडवांस लेवल के, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।